हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम सीखेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसके अंदर चार फॉर्म होते हैं। हम पहला फॉर्म डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म वन, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म वन के अंतर्गत कौन कौन सी इक्वेशन आती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक ही तरह की इक्वेशन आएगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ पी और क्यू हों उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म वन इक्वेशन, और उनके सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग होगा, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे होने वाला है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वन वो होगा जिसमें सिर्फ पी और क्यू होंगे, अगर उसमें एक्स वाई जेड भी दिखाई देते हैं पी क्यू के अलावा तो भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म वन होगी। थियोरेटिकली ऐसा माना जाता है कि एक्स वाई जेड नहीं होते हैं, परंतु मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अगर इसमें एक्स वाई जेड है इट मींस दैट कि वो फिर से क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म वन इक्वेशन है, परंतु उसे हमें रिड्यूस करके पी और क्यू में लाना होगा। ये हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू जीरो ऐसी इक्वेशंस होंगी तो हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म वन। और जब भी ऐसी कोई इक्वेशन दिखेगी तो हम सीधे उसका कंप्लीट इंटीग्रल लिखेंगे या उसका सोल्यूशन लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें पी कॉमा क्यू दिखेगा उसका हम सोल्यूशन लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जिसमें ए बी सी क्या है, कोई आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। अब बस कुछ नहीं करना स्टूडेंट, क्वेश्चन हो गया लगभग आपका, बड़ा आसान है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो गिवन क्वेश्चन है उसमें पी की जगह ए पुट करना है और क्यू की जगह बी पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ आपको पी दिखेगा आपको क्वेश्चन में ए रखना है, जहाँ क्वेश्चन में क्यू दिखेगा वहाँ आपको बी रखना है। क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखा है, तो ए पी की जगह ए और क्यू की जगह बी। ऐसा क्यों? अगर मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ तो डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा ए, क्योंकि एक्स बाकी सब जीरो हो जाएंगे, और डेल जेड बाय डेल एक्स क्या होता है पी, इट मीन्स पी किसके बराबर होगा ए। इसी तरह से इस इक्वेशन को अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूँ डेल जेड बाय डेल वाई तो वो किसके बराबर होगा बी के बराबर होगा, और डेल जेड बाय डेल वाई क्या होता है क्यू, इसीलिए मैं पी की जगह ए और स्मॉल क्यू की जगह बी पुट करूँगा तो मेरी इक्वेशन एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू जीरो से हो जाएगी एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू जीरो। और फिर कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपकी ये जो इक्वेशन आएगी इस इक्वेशन में आप सिर्फ बी की वैल्यू निकाल लें, कॉन्स्टेंट बी की वैल्यू निकाल लें, इस इक्वेशन से कॉन्स्टेंट बी की वैल्यू निकाल लें, और कॉन्स्टेंट बी की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन नंबर टू में यहाँ पे बी की जगह पुट कर दें तो ये जो सोल्यूशन है पूरा कॉन्स्टेंट ए में आ जाएगा। इतना ही करना है आपको। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बात को समझने के लिए कैसे इसको करना है। तो स्टूडेंट हमारे सामने क्वेश्चन है, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, और स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू जीरो, इसमें सिर्फ पी और क्यू इसके अलावा कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान रखें, पी कॉमा क्यू पी की पावर से हमें कोई लेना देना नहीं, क्यू की पावर से कोई लेना देना नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म वन हो गया। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म वन हो गया स्टूडेंट तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, पी की जगह ए रखना है और क्यू की जगह बी रखना है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म वन है और ये इसका सोल्यूशन है तो जब जब पी दिखेगा ए रखना है और क्यू दिखेगा बी रखना है। तो गिवन क्वेश्चन में हम पी की जगह ए और क्यू की जगह बी रखते हैं तो गिवन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। फिर मैंने आपको बताया था बी का वैल्यू निकाल लें तो ए स्क्वायर उधर जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस ए स्क्वायर होगा, और बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में नाइन माइनस ए स्क्वायर, और यह जो बी का आपने वैल्यू निकाला आप इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें। तो जो आप इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे बी की वैल्यू को, तो जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, अब बी की जगह क्या लिखेंगे आप, नाइन माइनस ए का स्क्वायर अंडर रूट में वाई प्लस सी। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें और भी बातें होती हैं, जैसे कि इसमें आपसे बोला जाता है जनरल इंटीग्रल आपको निकालना है, तो आपको जनरल इंटीग्रल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जनरल इंटीग्रल निकालना है तो ए एक्स नाइन माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में वाई, और आप सी की जगह कोई फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दें जो कि साई ऑफ ए होगा, बस ये आपका जनरल इंटीग्रल हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ कि मैं आप कर लूँगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मैकेनिज्म ऐसे ही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह यहाँ पर हो सकता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, हम कुछ थोड़े से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। नाउ स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इक्वेशन जो है सिर्फ पी कॉमा क्यू नहीं, इसके अंदर एक्स वाई और जेड भी, मतलब ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म वन नहीं है, परंतु अगर हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टूडेंट ट्रांसफॉर्म करने का मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए पहले तो इस इक्वेशन को हम सही तरीके से लिख लेते हैं, मैं जेड स्क्वायर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ, तो आप देखेंगे ऐसे करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर पी स्क्वायर सॉरी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ये तो आसान बात हो गई स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं जो है डेल जेड बाय डेल एक्स वो होता है पी, एंड डेल जेड बाय डेल वाई जो होता है वो क्यू।
ठीक है स्टूडेंट, तो मैं पी की जगह डेल जेड बाय डेल एक्स रखूँ और क्यू की जगह डेल जेड बाय डेल वाई रख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर ऐसा कैसा, पी की जगह हम लिख देते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके से वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर एज इट इज, और क्यू की जगह हम लिख देते हैं डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, इस डेल जेड के नीचे जेड स्क्वायर रखना है, इस डेल एक्स के नीचे एक्स रखना है। थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, डेल जेड अपॉन में जेड का होल स्क्वायर, इस डेल जेड के नीचे जेड स्क्वायर रख दिया और नीचे डेल एक्स अपॉन में ये एक्स स्क्वायर नीचे उतर आएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर में वन में लिख देता हूँ मैं। प्लस इसी तरीके से यहाँ करूँगा डेल जेड अपॉन में जेड का होल स्क्वायर, इसके नीचे इसको लिख दिया, फिर वन अपॉन में डेल वाई, ये वाई स्क्वायर नीचे उतर आएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, बात मामूली सी हो गई यहाँ से। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जहाँ भी डेल जेड अपॉन में जेड है उसको कैपिटल जेड लिखेंगे, डेल एक्स अपॉन में एक्स उसको कैपिटल एक्स लिखेंगे, डेल वाई अपॉन वाई को कैपिटल वाई, ये हमेशा ही करना है, आप याद रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर डेल जेड बाय जेड है, सॉरी यहाँ पर डेल जेड डेल एक्स और डेल वाई, तो डेल जेड बाय डेल जेड बाय जेड को डेल जेड लिखेंगे, डेल जेड बाय जेड को मैं लिख दूंगा डेल जेड सॉरी कैपिटल जेड का होल स्क्वायर, फिर वन अपॉन में डेल एक्स अपॉन में एक्स को क्या लिखूंगा, कैपिटल डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको मैंने लिख दिया डेल एक्स, इसको लिख दिया डेल जेड, प्लस फिर डेल जेड बाय जेड है तो इसको लिखूंगा डेल कैपिटल जेड, फिर वन अपॉन में डेल वाई बाय वाई तो इसको क्या लिखूंगा डेल कैपिटल वाई इक्वल टू वन, इसका होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल जेड बाय, ये कैपिटल जेड है होल स्क्वायर, और डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ समझ में आई बात, हमने क्या करा, डेल जेड बाय जेड को कैपिटल डेल जेड लिखा, डेल एक्स बाय डेल एक्स को डेल एक्स बाय एक्स को कैपिटल डेल एक्स लिखा, इसी तरीके से डेल जेड बाय डेल जेड को सॉरी डेल जेड बाय जेड को कैपिटल डेल जेड लिखा, डेल वाई अपॉन वाई को वन अपॉन में डेल वाई कैपिटल डेल वाई का होल स्क्वायर लिखा और इसको रीअरेंज करके लिख दिया। अब स्टूडेंट हम जानते हैं, आपको पता है डेल जेड अपॉन में कैपिटल डेल एक्स को मैं क्या कैपिटल पी लिख सकता हूँ, इसी तरीके से डेल जेड अपॉन में कैपिटल डेल वाई को क्या मैं कैपिटल क्यू लिख सकता हूँ। जब मैं स्मॉल डेल जेड अपॉन में जो है डेल एक्स को पी लिख सकता हूँ, स्मॉल डेल जेड अपॉन में डेल वाई को मैं क्यू लिख सकता हूँ, तो कैपिटल डेल जेड डेल एक्स को मैं कैपिटल पी, कैपिटल डेल जेड डेल वाई को कैपिटल क्यू लिख सकता हूँ। तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो इसकी जगह लिखूंगा मैं कैपिटल पी का स्क्वायर, इसकी जगह लिखूंगा मैं कैपिटल क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं इसको हम यहाँ पे। अब इक्वेशन वन जो है सिर्फ पी और क्यू में है, ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज अंडर पी कॉमा क्यू, ये इक्वेशन किस में आ गई, एफ ऑफ कैपिटल पी कॉमा क्यू इक्वल टू जीरो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म वन में था, वो इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म वन। तो स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म वन में आ गई है, सिर्फ पी और क्यू में, कैपिटल पी और क्यू में, तो इसका जनरल सोल्यूशन, इसका जो जनरल सोल्यूशन हो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस कैपिटल बी कैपिटल वाई प्लस सी, जिसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे जो है पुट करना है जैसा कि हम पहले पुट करते थे। ठीक है स्टूडेंट, पी की जगह ए और क्यू की जगह हमें बी पुट कर देना है। तो स्टूडेंट हम पुट करते हैं, पी इज इक्वल टू ए एंड क्यू इज इक्वल टू बी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ऐसा करने से इक्वेशन नंबर वन में, इन इक्वेशन नंबर वन में, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर वन में, पी की जगह कैपिटल पी की जगह ए, कैपिटल क्यू की जगह बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, वन माइनस ए स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू अंडर रूट में वन माइनस ए स्क्वायर, जो कि मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो स्टूडेंट ये बी की जो वैल्यू है इस सोल्यूशन में पुट कर देते हैं हम, तो आंसर देखेंगे क्या होगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे जेड इज इक्वल टू ए एक्स, और b की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में y प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन आ गया कैपिटल x कैपिटल z और कैपिटल y के टर्म्स में। अब हमें इसको स्मॉल z स्मॉल x और स्मॉल y के टर्म में लाना है, क्योंकि हमारी इक्वेशन स्मॉल p और स्मॉल q के टर्म्स में थी। तो आपको याद होगा सब्सटीट्यूशन डेल z बाय z स्मॉल में इज इक्वल टू डेल कैपिटल z इज इक्वल टू डेल स्मॉल x अपॉन में स्मॉल x इज इक्वल टू डेल कैपिटल x, सिमिलरली डेल y अपॉन y इज इक्वल टू कैपिटल y। कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करें जो हमारा सब्सटीट्यूशन, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे इसका क्या हो जाएगा स्मॉल log z, इसका क्या हो जाएगा कैपिटल z, इसका कितना हो जाएगा log स्मॉल x, इसका कितना हो जाएगा डेल x का x, इसका हो जाएगा log y, इसका कितना हो जाएगा कैपिटल y। तो कैपिटल y की जगह log y, कैपिटल x की जगह log x, और कैपिटल z की जगह log z पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको 3 या 2 जो भी लिखना लिख दीजिए। तो यहाँ पे कैपिटल z की जगह मैं लिख दूंगा स्मॉल z,
ए, और कैपिटल एक्स की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल एक्स की जगह लिखेंगे हम लॉग एक्स प्लस, फिर आगे बढ़ता हूँ, वन माइनस ए स्क्वायर, फिर कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई की जगह क्या लिखेंगे लॉग वाई प्लस स्मॉल सी, यह आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपनी बात को समझने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जेड क्यूब, एक और क्वेश्चन मैंने लिया। अब आप देखेंगे P और Q तो है इसमें, पर साथ में एक्स वाई जेड है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म वन तो नहीं कहलाएगा, परंतु इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वन में। तो हम देखेंगे पहले इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे, जेड क्यू को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, देखना जरा कैसे होने वाला है। एक्स स्क्वायर के नीचे मैं लिख देता हूँ, जेड क्यूब के अंदर से जेड स्क्वायर निकाल देता हूँ, पी स्क्वायर को इनके साथ लिख देता हूँ, फिर वाई को मैं लिख देता हूँ क्यू के साथ, और जेड क्यूब का एक z में इसको पकड़ा देता हूँ, बीच में इंटू आएगा। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ रीअरेंज करा है, एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर को साथ में लिख दिया, z क्यूब का एक z स्क्वायर निकाल के इनके नीचे लिख दिया है, y को मैंने q के साथ लिख दिया और z आ गया है। अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे, आप जानते हैं हमारा सब्सटीट्यूशन क्या है, हम उस सब्सटीट्यूशन की मदद लेंगे यहाँ पे। तो सब्सटीट्यूट करते हैं हम p की जगह डेल z बाय डेल x और q की जगह डेल z बाय डेल y। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में स्मॉल z स्क्वायर, p की जगह हम लिखेंगे डेल z बाय डेल x का होल स्क्वायर, सॉरी इनटू वाई बाय जेड, ऐसा कैसा क्यू की जगह डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है स्टूडेंट, वही करना है, जेड के नीचे जेड, डी एक्स के नीचे एक्स, डेल जेड के नीचे जेड और डेल वाई के नीचे वाई जमाना है। तो देखिए कैसे जमेगा, डेल जेड अपॉन में जेड का होल स्क्वायर, इसको इसके साथ लिख दिया, दोनों के पास टू पावर है, फिर वन अपॉन में डेल एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर इनटू है, फिर डेल जेड अपॉन में जेड, वन अपॉन में डेल वाई अपॉन में वाई इक्वल टू वन। नाउ स्टूडेंट जानते हैं हम डेल जेड बाय जेड को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जेड। तो डेल जेड बाय जेड को कैपिटल डेल जेड लिख देते हैं, तो इसको हम लिख देंगे कैपिटल डेल जेड का होल स्क्वायर। इसी तरीके से डेल एक्स अपॉन में एक्स को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डेल एक्स, इसका भी होल स्क्वायर, फिर इंटू, फिर डेल जेड बाय जेड को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डेल जेड अपॉन में डेल वाई अपॉन वाई को कैपिटल डेल वाई, और इक्वल टू में क्या है वन। तो स्टूडेंट आप जानते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स को क्या मान लेते हैं, कैपिटल पी मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डेल जेड बाय डेल वाई को क्यू मान लेते हैं, तो ये कैपिटल क्यू हो जाएगा इक्वल टू वन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गई, ट्रांसफर हो गई। क्या करेंगे स्टूडेंट, पी की जगह हम क्या रखेंगे ए, और क्यू की जगह क्या रखेंगे बी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर बी इक्वल टू वन, और यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से b का वैल्यू आएगा b इज इक्वल टू वन बाय ए स्क्वायर। और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन दूँ तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, z इज इक्वल टू ए एक्स कैपिटल z इज इक्वल टू ए एक्स b कैपिटल y प्लस c। क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस b की जगह आएगा वन बाय ए स्क्वायर वाई प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अब क्या करना है स्टूडेंट, कैपिटल एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करना है। आपको मैंने बता दिया था कैसे पुट करना है, यहाँ पे ऊपर ही हमने देखा है, हमको क्या करना है बस इस सब्सटीट्यूशन को इंटीग्रेट कर देना है, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू कैपिटल डेल जेड था, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड आएगा और इसका जेड आएगा, तो जेड की जगह कैपिटल जेड की जगह लॉग जेड, कैपिटल एक्स की जगह लॉग एक्स, कैपिटल वाई की जगह लॉग वाई हमें पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम पुट करना शुरू करते हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा log z इज इक्वल टू a log x प्लस वन बाय ए स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा log y प्लस इसकी जगह स्मॉल c। तो ये स्टूडेंट आपका आ गया आंसर, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और फॉर्म देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ और क्वेश्चन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ y माइनस एक्स क्यू वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को नोट जरूर करें और सॉल्यूशन भी साथ में नोट करते जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ सब्सटीट्यूशन करेंगे और सब्सटीट्यूशन ऐसा होगा कि वापस से यही इक्वेशन मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूशन रखा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल एक्स वाई। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इस कैपिटल एक्स को डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और देखेंगे क्या होगा। तो ये जो x है ये इसका 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, क्योंकि x y पर डिपेंड नहीं करता। इसी का मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ इस कैपिटल x का विथ रिस्पेक्ट टू y, तो
तो स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय डेल वाई करूँगा तो एक्स का जीरो हो जाएगा, वाई का वन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका मैं करता हूँ डिफ्रेंशिएशन डेल वाई अपॉन में वाई के रिस्पेक्ट में करता हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ पे एक्स आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका मैं कैपिटल डेल वाई का जब मैं करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा यहाँ पे वाई, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट हमने क्या करा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आएगा, कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स वाई आएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों में वन आया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू वाई तो यहाँ पे एक्स आया, वाई का वन हो गया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे एक्स के डिफ्रेंशिएशन वन हुआ और वाई आ गया, ठीक है। स्टूडेंट अब हम जानते हैं एक बात, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। और स्टूडेंट क्योंकि एक्स जो है, अब एक्स जो है इट इज़ अ फंक्शन, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल वाई, तो इसका जो है स्टूडेंट हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका हमें क्या करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डेल एक्स, एज वेल एज इसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा स्टूडेंट्स, इसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल वाई, ठीक है। स्टूडेंट इसी तरीके से हम जानते हैं क्यू क्या होता है स्टूडेंट, क्यू जो होता है वो होता है डेल जेड अपॉन में डेल वाई। अब वाई भी जो है हम देख सकते हैं वाई भी कैपिटल एक्स पर डिपेंड करता है, वाई कैपिटल वाई पे भी डिपेंड करता है, तो हमें जो है इसका भी पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स, इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, और इसका हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स होता है, Q इज इक्वल टू डेल जेड बाय डेल वाई होता है, क्योंकि X कैपिटल X और कैपिटल Y दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हमने इस तरीके से लिखा। Q के साथ भी वही स्थिति है, वो भी कैपिटल X और कैपिटल Y पर डिपेंड करता है, तो हमने लिख दिया, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स, और डेल एक्स अपॉन में स्मॉल डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई कैपिटल का, और डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल वाई। इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स, ऐसा का ऐसा, डेल एक्स अपॉन में डेल वाई कितना है, डेल एक्स अपॉन में डेल वाई 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिया, प्लस डेल जेड बाय डेल वाई, और डेल वाई अपॉन में स्मॉल वाई कितना है, तो डेल वाई अपॉन में स्मॉल वाई है एक्स, तो यहाँ पे एक्स रख दिया स्टूडेंट्स। आसान है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, कुछ नहीं करना है, ये सब्सटीट्यूशन करना है, फिर इसको सब्सटीट्यूशन में इसको एक्स से इसी को वाई से, फिर इसको भी एक्स और इसको वाई से, और फिर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है प्योर क्यू को, जो कि डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई होता है। अब स्टूडेंट क्या करना है, तो स्टूडेंट पी की जगह हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे गिवन क्वेश्चन में, और क्यू की जगह हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे गिवन क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्शन कर दूँ, ये डेल जेड बाय कैपिटल एलेक्स था, और ये डेल जेड बाय ये भी कैपिटल डेल एक्स था, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे लिखने में चूकू कि डेल जेड बाय डेल एक्स, और डेल एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू 1 थी, इधर डेल एक्स अपॉन में डेल वाई की वैल्यू 1 थी, बाकी सब कुछ सही है। इसको हम हमारे गिवन क्वेश्चन में यानी कि यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्यू की जगह यह पुट करेंगे और पी की जगह यह पुट करते हैं, तो करते हैं हम शुरू इसको सब्सटीट्यूट करना। तो स्टूडेंट वाई माइनस एक्स एज इट इज़, अब क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, क्यू की जगह हम रखेंगे डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई एक्स, ये हमने क्यू की जगह रखा, क्यू के मल्टीप्लाई में कौन है स्टूडेंट वाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वाई रख दूंगा, फिर माइनस साइन लगाऊंगा, फिर पी की जगह स्टूडेंट ब्रैकेट खोलेंगे, पी की जगह क्या आएगा, ये पूरा आएगा डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई वाई, ब्रैकेट क्लोज करूँगा स्टूडेंट, और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई एक्स, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू में क्या चल रहा है स्टूडेंट, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो इस पी की जगह भी हमें ये सब्सटीट्यूट करना है, और इस क्यू की जगह भी सब्सटीट्यूट करना है, मैंने नहीं किया बिकॉज थोड़ी स्पेस की कमी, अगली स्टेप में कर देंगे। इसको मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा स्टूडेंट, सॉल्व करना अगर हम शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा, वाई माइनस एक्स, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई एक्स वाई, फिर अंदर जाते हैं ये एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, फिर ये प्लस माइनस माइनस डेल जेड अपॉन में डेल वाई और एक्स वाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, और इधर अभी लिख देते हैं पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, बाद में लिख देंगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यह प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है मेरे पास, अच्छा डेल जेड अपॉन में डेल एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
ये डेल जेड बाय डेल एक्स, ये एक्सिस में भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब मेरे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट, एक टर्म मेरे पास यह बच रही है और एक टर्म मेरे पास ये बच रही है। इन दोनों में से डेल जेड बाय डेल एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स और डेल जेड बाय डेल एक्स यहाँ से कॉमन निकाला तो इसके पास बचा वाई, डेल जेड बाय डेल एक्स यहाँ से कॉमन निकाला तो इसके पास बचा एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब इसकी जगह लिख सकते हैं हम जो लिखना चाह रहे हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स, सॉरी डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई वाई माइनस, फिर क्यू की जगह क्या रखेंगे हम, क्यू की जगह हम रख देंगे डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा वाई माइनस एक इंटू वाई माइनस, कितना हो जाएगा वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेल जेड अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं ये डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस का और ये डेल जेड अपॉन में डेल एक्स माइनस का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, तो स्टूडेंट डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई अगर इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो यहाँ भी वाई माइनस एक्स बचेगा, डेल जेड बाय डेल वाई इसमें से कॉमन गया तो यहाँ भी वाई माइनस एक्स बचेगा और इसका चल रहा है होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्क्वायर अगर इस पे चढ़ाऊंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा क्या, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल पी और इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल क्यू का होल स्क्वायर, डेल जेड बाय डेल वाई याद आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्मॉल पी हम डेल जेड बाय डेल एक्स को, स्मॉल डेल जेड बाय स्मॉल डेल एक्स को अगर हम स्मॉल पी लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल पी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट रिलेशन आ गया, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे पी की जगह ए और क्यू की जगह बी पुट कर देंगे तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर और b इज इक्वल टू अंडर रूट में a आ जाएगा। तो ये आपके पास b का वैल्यू आ गया और ये आपका जो इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन होगा जनरल सोल्यूशन होगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और यहाँ पे आप स्टूडेंट जो है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की जगह आप क्या लिखेंगे अंडर रूट ए वाई प्लस सी और स्टूडेंट आपको याद होगा सब्स्टिट्यूट बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद करेक्शन कर दूंगा, ये इक्वेशन कैपिटल जेड में होगी क्योंकि हमारा कैपिटल पी और क्यू में स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कैपिटल वाई होगा, यहाँ पे भी कैपिटल एक्स होगा, यहाँ पे भी कैपिटल वाई होगा। तो अब कैपिटल जेड की जगह हमें क्या लिखना है स्टूडेंट, पुट अप करना शुरू करते हैं हम यहाँ पे हमारी चीज़ें स्टूडेंट पुट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स को हमने क्या माना था स्टूडेंट, कैपिटल एक्स को हमने माना था एक्स प्लस वाई, तो जहाँ भी कैपिटल एक्स दिखेगा हम एक्स प्लस वाई रखेंगे, जहाँ पे कैपिटल वाई दिखेगा हम एक्स वाई रखेंगे। तो मैं जहाँ भी कैपिटल एक्स दिखेगा वहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखूंगा, तो यहाँ पे ए के साथ कैपिटल एक्स है तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई फिर अंडर रूट ए और यहाँ पे कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई की जगह क्या लिखेंगे एक्स वाई प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। एक बार फिर से बताया था हमने क्या करा स्टूडेंट, इन शॉर्ट हमने क्या करा, एक सब्स्टिट्यूशन करा कैपिटल एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, कैपिटल वाई की जगह एक्स वाई रखा, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करा एक्स में, इसको डिफरेंशिएट करा वाई में, इसको भी एक्स और वाई में डिफरेंशिएट करा, फिर हमको जानते हैं पी क्या होता है डेल जेड बाय डेल एक्स, चूंकि एक्स जो है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का फंक्शन है तो ये इक्वेशन आई, इससे पी की वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से क्यू के साथ करा, क्यू की वैल्यू आ गई, इसको गिवन क्वेश्चन में पी और क्यू की जगह पुट करा तो जो गिवन इक्वेशन है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म वन में कन्वर्ट होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म वन में कन्वर्ट होगी तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा जेड इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सी और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट ए रखेंगे पी की जगह, बी रखेंगे क्यू की जगह तो बी की वैल्यू अंडर रूट ए आएगी, यहाँ पर हम बी की जगह अंडर रूट ए रख देंगे, फिर हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप घर पे प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसा लगा और इसको शेयर करके एनकरेज करें। थैंक यू सो मच।